जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने बालों पर कलर लगाने से पहले यानी कि डाई करने से पहले कुछ बातों का आप विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, जहाँ तक कोशिश हो तो आपको कभी भी हेयर कलर तो कराना ही नहीं चाहिए। हेयर डाई और हेयर कलर जो बाजार में मिलते हैं वो तो आपके बालों को खराब करते ही हैं। साथ ही अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एक बार करा लो तो बाद में कलर नहीं कराएंगे, तो आपको बता दें कि कलर एक बार करा लिया तो समझ लो कि कलर हर बार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में केमिकल्स के उपयोग पर कोई खास दिशा निर्देश लागू नहीं किए गए हैं। हेयर डाई और कलर्स में तो आजकल इतनी हद हो गई है कि एक बार आपने अगर हेयर डाई या कलर लगा लिया तो समझ लो कि जिंदगी भर आपको इसी कलर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को और ज्यादा सफेद बना देते हैं। लेकिन आप इस बात से बच सकते हैं। आपसे बस यही कहना है कि आप जहाँ तक पॉसिबल हो हेयर डाई या कलर्स का उपयोग ना करें। अगर आपके सफेद बाल हैं तो आयुर्वेद के सफेद बालों को काला करने के लिए दिए गए हमारे उपायों को अपना लीजिए। लेकिन आपको फिर भी कलर या डाई लगाना है तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके बालों को कम से कम नुकसान हो, इसलिए आज ये वीडियो लेकर आए हैं। तो गौर से देखें हमारा ये वीडियो। अगर आप रेगुलरली कलर लगाते हैं तो आपको पता ही होगा कि कलर लगाने के कितने सारे नुकसान हैं। लेकिन अगर आप पहली बार अपने बालों को कलर या डाई करने जा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है। तो गौर से सुने हमारी ये बातें। बालों को कलर करवाने से पहले आपको एलर्जी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ कलर या डाई बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में यदि आपको अमोनिया युक्त डाई सूट ना करे तो आपको प्रोटीन युक्त डाई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आप हेयर एक्सपर्ट से परामर्श जरूर लें। हेयर कलर कई तरह के होते हैं, जैसे बर्गंडी, डार्क ब्राउन, रेड, नेचुरल गोल्ड, चॉकलेट, चेरी ब्राउन, रेड इत्यादि। कलर का चयन करते समय आप हमेशा अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा न हो कि आपके बालों पर कलर सूट ही ना करे और लोग आप पर हंसे। हेयर कलर करना कोई आसान कार्य नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको पहली बार किसी अनुभवी व्यक्ति से ही बाल कलर करवाना चाहिए। यदि आपको किसी तरह की एलर्जी, डैंड्रफ या अन्य तकलीफ है तो कलर करवाने से बचना चाहिए। और हाँ, अगर आप बालों को पर्मिंग या घुंघराले बालों को स्ट्रेट कराना चाहते हैं तो कलर करवाने के 15 से 20 दिनों के बाद ही ऐसा करवाएं। एक साथ दोनों काम कराने से बालों पर केमिकल का दबाव अधिक बढ़ जाता है, इससे बाल खराब हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना तो आपके घुंघराले रहेंगे और ना ही सफेद। आमतौर पर हेयर कलर बालों में चमक लाने, नया लुक पाने, सफेद बालों की परेशानी को दूर करने, बालों को पहले से बेहतर बनाने और बालों में जान डालने के लिए किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हेयर कलर हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही उपयोग करें। कंपनी के ब्रांड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके रेट से कभी समझौता ना करें। कलर करवाने के बाद कुछ सावधानियां बरतें। जैसे बालों को कलर करवाने के लिए जरूरी है कि आप 4 से 5 महीने पहले बालों में मेहंदी ना लगाएं। तेज धूप पड़ने से बालों को बचाएं, क्योंकि इससे बाल रूखे और रंग हल्के हो जाते हैं। बालों को माह में एक बार डीप कंडीशनिंग करें और हर शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं। तो जाना आपने कि अगर आप कलर कराने जा रहे हैं या फिर आप हेयर डाई के लिए जा रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान जरूरी है। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी हेयर एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थी। इस संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।